एसिप ब्रांड का प्रोडक्ट एसिक्लोफेनिक पैरासिटामोल थायोकोल्चिकोसाइड टैबलेट्स, इन टैबलेट्स को जनरली मस्कुलर पेन के लिए जो है प्रिस्क्राइब किया जाता है। एसिप प्लस टैबलेट्स जो है कॉम्बिनेशन है कुछ मेडिसन्स का, जिनके बीच में मसल रिलैक्सेंट आ जाएंगे जो कि थायोकोल्चिकोसाइड 4 mg हैं, और साथ में ही 2 pain reliever भी जो हैं इन टैबलेट्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं, और वो हैं एसिकोफेनिक 100 mg और पैरासिटामोल 325 mg। मसल रिलैक्सन के बीच में थायोकोल्चिकोसाइड आ जाएगा जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर जो है एक तरह से काम करता है, और जो मसल स्टिफनेस होता है, स्पैसम होता है, तो उसको जो है एक तरह से रिलीफ प्रोवाइड करता है और इम्प्रूव करता है आप लोगों के बीच में जो भी मसल्स की मूवमेंट होती है तो उस चीज़ को, और आप लोगों को जो है एक तरह से रिलीफ प्रोवाइड करता है जो भी पेन होती है स्पैसम के द्वारा, जो फिर जो स्केल्टन मसल्स के बीच में पेन होती है तो उससे। दूसरी तरफ जो पेन रिलीफर हैं जिसके बीच में एसिक्लोफेनिक और पैरासिटामोल आ जाएंगे, वो इस तरह से काम करते हैं कि जो केमिकल मैसेंजर्स होते हैं तो उनकी प्रोडक्शन को जो केमिकल मैसेंजर रिलीज करते हैं तो उस चीज़ को एक तरह से ब्लॉक कर देता है ब्रेन के बीच में, और जिससे कि जो भी पेन कॉज होती है या फिर जो इन्फ्लेमेशन होती है जैसे कि रेडनेस या फिर स्वेलिंग होती है तो उस चीज़ को एक तरह से रोक देता है। एसिक्लोफेनिक जो है वो एक पेन रिलीफर है और वो पेन से आप लोगों को रिलीफ प्रोवाइड करेगा, और जो भी इन्फ्लेमेशन जैसी कंडीशन होगी जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस है या फिर कोई और कंडीशन है, तो उन कंडीशंस के बीच में जो आप लोगों को जो है पेन से रिलीफ प्रोवाइड करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। एसिक्लोफेनिक जो है जो एक नॉन स्टीरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसन है और जो कि ब्लॉक कर देता है सर्टन केमिकल मैसेंजर की प्रोडक्शन को, और आप लोगों को पेन और इन्फ्लेमेशन से जो है रिलीफ प्रोवाइड करता है जिसके बीच में रेडनेस और स्वेलिंग आ जाती है। पैरासिटामोल 325 mg जो है वो आप लोगों को जो है पेन से रिलीफ प्रोवाइड करता है और साथ में ही फीवर से रिलीफ प्रोवाइड करता है। जी आप लोगों को जो भी पेनफुल कंडीशंस होंगी, हेडेक होगा या फिर मसल पेन है या फिर डेंटल पेन है, तो उन सब कंडीशंस के बीच में आप लोगों को रिलीफ प्रोवाइड करता है। पैरासिटामोल जो है उसके बीच में एनालजेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि आप लोगों को पेन से रिलीफ प्रोवाइड करता है, और साथ में ही इसके बीच में एंटी पायरेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि आप लोगों को फीवर से रिलीफ प्रोवाइड करता है, आप लोगों के फीवर को जो है कम कर देगा। और ये दोनों जो हैं एक तरह से कंबाइंड प्रॉपर्टीज़ होती हैं पैरासिटामोल की, और जो कि सर्टन केमिकल मैसेंजर की प्रोडक्शन को ब्लॉक कर देता है एक तरह से, जो कि पेन को कॉज करते हैं और फीवर को कॉज करते हैं। कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स भी देखे जाते हैं इस एसिप प्लस मेडिसिन के, जिसके बीच में नौसिया, वोमिटिंग, हर्ट वर्न आ जाएगा, स्टोमक पेन, डायरिया, लॉस ऑफ एपेटाइट, ड्राइनेस होना माउथ के बीच में, या फिर इनडाइजेशन जैसी कंडीशन हो जाना, ये कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो कि डिसअपियर्ड हो जाते हैं जैसे ही जो मेडिसिन जो है आप लोगों के बॉडी को एक तरह से एडजस्ट कर लेगी। तो उसके बाद अगर कोई भी साइड इफ़ेक्ट जो है लंबे समय तक रहता है तो आप लोग जो है डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं। तो आप लोगों को इस मेडिसिन को प्रॉपर डोसेज में लेना है, ड्यूरेशन में लेना है, जैसे आप लोगों के डॉक्टर ने आप लोगों को बोला है। इस मेडिसिन की टेबलेट को आप लोगों को जो है होल स्वेलो अप कर देना है, क्रश नहीं करना है और ना ही ब्रेक करना है। एसिप प्लस टेबलेट्स जो है इसको आप लोगों को खाना खाने के बाद जो है खाना है। अगर हम लोग जो है प्राइस की बात करें, 10 टैबलेट्स की जो है स्ट्रिप आप लोगों को 210 rupees की मिल जाएगी। जब कभी भी आप लोग किसी भी मेडिसिन को कहीं से भी खरीदें तो उसकी एक्सपायरी डेट को चेक करके ही खरीदें। एसिप प्लस टैबलेट्स जो हैं ये कॉम्बिनेशन है मेडिसिन का, जिसके बीच में थायोकोल्चिकोसाइड 4 mg है और एसिक्लोफेनिक 100 mg, पैरासिटामोल 325 mg, जो कि आप लोगों को मस्कुलर पेन से एक तरह से रिलीफ प्रोवाइड करते हैं। जो तीनों मेडिसिन का एक तरह से कॉम्बिनेशन है और तीनों जो हैं कंबाइंड होकर जो है वर्क करता है और ब्लॉक कर देते हैं जो भी केमिकल मैसेंजर रिलीज करते हैं और पेन को कॉज करते हैं, इन्फ्लेमेशन को कॉज करते हैं और फीवर को कॉज करते हैं, और आप लोगों के मसल्स के बीच में मूवमेंट को एक तरह से इम्प्रूव कर देता है और आप लोगों को रिलीफ प्रोवाइड करता है पेन से और डिसकम्फर्ट से। तो आप लोगों को जो है अल्कोहल को जो है अवॉइड करना है जब आप लोग जो है इस टैबलेट को जो है कंज्यूम कर रहे हों।